22 जनवरी का दिन हर एक भारतीय लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि अयोध्या विच तां राम जी आ ही रहे ने लेकिन पूरे भारत विच हर एक मंदिर विच अलग अलग ढंग दे नाल इस दिन नूं मनाया जा रहा। इस वक्त असी जलंधर दे श्री देवी तलाब मंदिर विच मौजूद है जिथे कि 22 जनवरी नूं 125,000 दीवे जला के जिहड़ा कि है खुशी जिहड़ी कि मनाई जाऊगी। साडे नाल मंदिर दे मुख पुजारी जिहड़े रवि जी साडे नाल मौजूद है। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 दे तुहाडा। जय श्री राम जी। पंडित जी, बहुत खुशी का दिन आ रहा है, 22 जनवरी अयोध्या विच रामलला आ रहे हैं, तो किस तरह जिहड़ा कि देवतला मंदिर विच कार्यक्रम रखा गया? सबसे पहले तो भारतवर्ष और विश्व के सभी राम भक्तों को, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को जय श्री राम, जय अयोध्या नरेश। यह जो पर्व है, ये पर्व हम दिवाली के रूप में 500 वर्षों के बाद हम इस उत्सव को मना रहे हैं। हमारे रामलला कहीं गए तो नहीं थे, लेकिन एक स्थान जो विवादित स्थान था, उस स्थान पर आतताइयों के द्वारा जो अपने लिए स्थान को अपने हाथों में लेकर के, अपने कंट्रोल को लेकर के वहाँ पे कार्य कर रहे थे, हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए बहुत से भक्तजनों ने वहाँ पर बलिदान दिए हैं और लाखों की संख्या में हमारे राम भक्तों के बलिदान के बाद हमारे इस भारत वर्ष के सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भक्तजनों के सहयोग से और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि हमारे मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, आप मंदिर सनातन धर्म का है, तो कोर्ट की तरफ से वह मंदिर हमें प्राप्त हुआ। हम बात करते हैं रामलला की। रामलला हमारे एक ऐसे देव हैं कि जो सूर्यवंशी कहे गए हैं। सूर्यवंशी, जिस प्रकार वह हमें भविष्य अर्थात कि जीवन को जीने का एक आधार बनाते हैं, जिस प्रकार भगवान सूर्य देव हमें उदय होने के बाद प्रकाश दिखाते हैं, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी महाराज हमें मर्यादित रूप से चलने के लिए हमें दर्शाते हैं। हमें किस प्रकार अपने भ्राता के साथ, किस प्रकार अपने माता पिता के साथ, किस प्रकार अपने जनों के साथ हमें रहना चाहिए। यह दीपावली का जो पर्व है, 500 वर्षों के बाद हम यह पर्व मना रहे हैं। हमारा भारतवर्ष, हमारा विश्व में जहां सनातन धर्म के अनुयायी रहते हैं, बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ 22 जनवरी का जो दीपावली का पर्व है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। उसी के साथ हमारे जालंधर सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर के सभी सदस्य, माननीय प्रधान श्रीमान श्री शीतल विज जी, हमारे कोषाध्यक्ष जो श्रीमान श्री परविंदर बहल जी हैं, और हमारे सेक्रेटरी श्री राजेश विज जी की सहयोग से, और भक्तों के जो जालंधर के हमारे राम भक्त हैं उनके सहयोग से, देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहयोग से बहुत ही भव्य और बहुत ही विराट यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ देवी तालाब मंदिर प्रांगण में 125,000 दीपों का दीपमाला किया जाएगा। यहाँ पर अन्यत्र प्रकार के रंगोली से यहाँ पर सुंदर सुंदर रंगोली का निर्माण हो रहा है। हर जगह इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हमारे देवी तालाब मंदिर से जुड़े हुए जो भी मंदिर हैं, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस राम मंदिर के उद्घाटन और श्री राम लला के प्रतिष्ठापन पे हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर हम आयोजन कर रहे हैं। अभी तो देवी तालाब मंदिर के निर्देशानुसार आप देख सकते हैं कि हमारे स्कूल से आए हुए बच्चे हैं जो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर रंगोली इत्यादि कर रहे हैं। यहाँ पर अन्य प्रकार के रंगोली का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ पर दीप प्रज्वलित होकर के 22 तारीख को बहुत ही भव्यता के साथ श्री रामलला का उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ पर श्री रामचरितमानस अर्थात अखंड रामायण का पाठ रखा जाएगा, सुंदरकांड का पाठ रखा जाएगा और अन्यत्र बहुत से अच्छे भजन कलाकारों को बुला करके उन्हें यहाँ पर भजन वादन इत्यादि करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। यह जो उत्सव है, यह जो पर्व है, भूतो न भविष्यति, न किस कभी भूतकाल में देखा गया है और न भविष्य में आएगा, क्योंकि न हमारे वंशज जो हमारे पूर्वज थे इस स्थान के लिए, इस दर्शन के लिए, क्योंकि शायद आज से पहले अगर कोई राम
मंदिर अयोध्या दर्शन करने हेतु जब जाता था तो हम जब रामलला को देखते थे तो हमें रोना आता था, आंखों से हमारी अश्रु धारा बहती थी कि हमारे रामलला, हमारे 80 करोड़ हिंदू होने के बाद, सनातन धर्मी होने के बाद भी हमारे रामलला एक टेंट के अंदर विराजमान है। लेकिन यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत हर्ष की बात है कि हमारे रामलला गए तो कहीं नहीं थे, लेकिन जो रामलला की एक भव्यता, उनके विषय में जो उनके बारे में जानकारी, क्योंकि कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि रामलला थे ही नहीं, रामलला है ही नहीं, लेकिन हमारे हृदय से पूछिए, उन कण कण से पूछिए अयोध्या नगरी में जाकर के, वहां पर साधु संत सन्यासी महात्माओं के रग रग से पूछिए कि किस प्रकार रामलला को वो मानते हैं। रामो एको नास्ति, राम एक ही है और वो है परब्रह्म, जिनको हम पूछते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनको हम चाहते हैं। वो हमारे सनातन धर्म के से जुड़े हुए हर अनुयायियों के हृदय में वास करते हैं। आप कभी भी जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सुख हो या दुख हो, हर समय राम नाम का उच्चारण करते हैं। जन्म लेता है तो बच्चा, उसके कानों में राम शब्द बोला जाता है, और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो राम नाम सत्य है उच्चारण करते हुए उसके अर्थी को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। तो भगवान श्री राम लला हमारे अयोध्या नगरी में पधार रहे हैं, वो अयोध्या नगरी में नहीं, हमारे इस भारत, अखंड भारत में पधार रहे हैं। तो आप सभी, आप अपने गृह में यथाभाव यथाशक्ति जितनी आपकी सक्षमता हो उसके अनुसार दीपमाला करें, भगवान राम नाम का भजन कीर्तन जितना हो सके, कुछ नहीं करते हैं तो हर समय राम नाम का उच्चारण करें। 22 जनवरी को विशेष जो भगवान रामलला का प्रतिष्ठा का समय रखा गया है वो 12:20 तक का रखा गया। तो आप सभी प्रातःकाल 11 से लेकर के 12:20 तक हरिनाम संकीर्तन का स्मरण करें, रामलला का नाम चिंतन करें, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करें, भजन कीर्तन हनुमान चालीसा, जितना हो सके अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के परिवार रहने वाले, अपने मोहल्ला गली, अपने गृह स्थान, अपने गांव, जहां भी आप रहते हैं वहां पर इस सनातन धर्म के परचम को लहराएं। आप सभी भगवा रूप धारण करके, अर्थात भगवा वस्त्र धारण करें, अपने गृह के छत पर रामलला के प्रतीक ध्वज को आरूढ़ कराएं और रामलला के उस नाम का चिंतन करें। आप सभी के ऊपर भगवान रामलला की इसी प्रकार कृपा रहे और हम सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म को और हम सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए अनुयायियों को वह शक्ति प्रदान करें, इसी प्रकार हमारे इस भारतवर्ष में, अखंड भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना हो। और जी हां, सत्य बताएं तो ये विषय जो है ना, कहने में ही असमर्थता है, क्योंकि ये एक मुख नहीं, हजारों मुखों से भी नहीं वर्णन किया जा सकता। ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे आने वाले वंश जो बच्चे हैं वो भी इस उत्सव को नहीं देख पाएंगे, ना हमारे बड़े बुजुर्ग, ना हमारे पूर्वज जो थे वो भी नहीं देख पाए, क्योंकि जो रामलला जहां पर विराजमान हो रहे हैं वहां पर हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का, हड्डियों का, वहां पर जो जल है, जल का स्रोत कहा जाता है कि जिस प्रकार वहां पर पानी की जगह ना कह सकते हैं कि रथ का जल रथ से सींचा गया है उस स्थान को, वहां पर हमारे रामलला विराजमान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से सनातन धर्म से जुड़े हुए अनुयायी हैं, वहां पर बलिदान दिए हैं। भगवान रामलला उन सभी को अपने चरणों की सान्निध्यता प्रदान करें, वो जहां भी जिस लोक में हो गए आज, जो इस शुभ अवसर को वो देखेंगे ना, इतने संतुष्ट, इतने खुश होंगे कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। तो भगवान रामलला आप सभी के ऊपर कृपा करें और सदा जीवन सबका सुखमय रहे। आप सभी बाहर जाकर के आप जब देखेंगे तो इस देवी तालाब मंदिर को इस प्रकार सजाया गया है जैसे कि दुल्हन की तरह इस मंदिर को सजाया गया है। अभी तो धीरे 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 की आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जब 22 तारीख का जब समय आएगा ना, जो पूर्णतः प्रतिष्ठा का जो समय आएगा वह कहने लायक नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एक फोटो, एक मूर्ति, भगवान रामलला की जो प्रतिमा है उनके स्वरूप, जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो रामलला की जो प्रतिमा है वह कुछ भ्रमिक लोग हैं, वह इस बात को उठा रहे हैं कि जो रामलला पहले से ही वहां पर स्थापित है, फिर दूसरा राम भगवान की प्रतिमा को वहां पर क्यों स्थापना किया जा रहा है। लेकिन मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जो रामलला की जो स्वरूप वहां पर स्थापित हो रही हैं वो कोई और नहीं, आज से कुछ समय पहले आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है कि गंडकी नदी से,
निकली हुई शालिग्राम की पत्थर, भगवान जिनको हम पूजते हैं अपने घर में शालिग्राम महाराज को रखते हैं, उनका स्वरूप वहां सर अयोध्या की ओर आया और उसी पत्थर को नक्काशी कर करके रामलला का स्वरूप दिया गया। आप उस पर देखिए हनुमत ध्वजा का प्रतीक, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि की प्रतीक, वहां पर भगवान नारायण के 10 रूपों का, जो उनके 10 रूप हैं, उनका वहां पर किस प्रकार स्थापना किया गया है, भगवान राम के चरणों में किस प्रकार पवनसुत हनुमान जी विराजमान हैं। तो आप जब उस स्वरूप को देखेंगे तो आपका हृदय गदगद हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तो आप सभी जहां पर भी हैं, जिस जगह पर हैं, आप सनातन धर्म के उस उत्थान का नाम लीजिए और भगवान राम का चिंतन मनन कीजिए। आप सभी को भगवान श्री राम शक्ति प्रदान करें कि आप हम सभी के सनातन धर्म को उत्थान की ओर लेकर के जाए और सदा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, कृपा रहे भगवान की। तो पंडित जी ने बड़े ही बढ़िया ढंग ने दस कि 22 तारीख का दिन बहुत ही खास है, तो जिहड़ा देवीतला मंदिर है इनू दुल्हन वांगू सजाया जा रहा है क्योंकि 125,000 दीवे जला के जिहड़ी कि दीपमाला की जानी है। इस तो इलावा जिहड़ा कह सकते पूरा माहौल है बहुत ही खुशनुमा है। इस तो इलावा छोटे छोटे बच्चे जिहड़े हैगे है वह रंगोली बना रहे हैं, तो ताकि जिहड़ा वह दिन है वो जिन्ना ज़्यादा हो सके उन्ना जिहड़ा कि उन्हूं खास बनाया जाए। कैमरामैन राजन के नाल मैं राघव जैन, न्यूज़ 18 पंजाब।